और यह रास्ते में बैठ गया और रास्ते में बैठ करके भी उसने राम कथा का गायन गाना शुरू कर दिया। भगवान की कथा मारुत सुत देखा सब आश्रम मुनि बूझ जल पिया जाए श्रम। कथा हो रही थी, हनुमान जी उड़ान भरते हुए जा रहे थे। हनुमान जी को लगा के थोड़ा नहाले और पानी पी लें और मधुर मधुर कथा भी भगवान की हो रही है। तो हनुमान जी नीचे उतरे और हनुमान जी सुंदर आश्रम को देख करके सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे मेरी थकावट दूर हो जाए। तो काल ने भी भेष छिपा करके बैठा था, बढ़िया पीला चद्र डाला है, गले में माला और माथा भी चंदन से पोत लिया, उसने बना लिया पूरा का पूरा, उसने श्रृंगार कर लिया, साधु बन गया। राक्षस कपट भेष तैं सोहा, राक्षस कपट भेष तैं सोहा, मायापति दौ नहीं चाहे मोहा। वह तो कपट भेष धारण करके बैठा हुआ था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता है, लेकिन मारुति ने उसके पास जाकर के हनुमान जी ने मस्तक नवाया और वह श्री राम जी के गुणों की कथा का गायन कर रहा था। और क्या कह रहा था सुनो, कालनेमी क्या सुना रहा था, दुआ नंबर 56 के नीचे कथा चल रही है, क्या सुना रहा था कालनेमी। कालनेमी कहता है कि होत महारण रावण राम ही जितहि राम नहीं संशयाम ही। राम रावण का बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है लेकिन मैं भी त्रिकालदर्शी हूं। देखो ये देख रहे हैं आप, ये है सूर्य चक्र। कल की सेवा यही है भगवान की कृपा से, अद्भुत सेवा है ये आप देख रहे हैं। कालनेमी ने कहा राम रावण का घमासान युद्ध हो रहा है लेकिन मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से बता रहा हूं कि इस युद्ध में विजय राम जी को मिलेगी, राम विजयी होंगे। या भय में देखूं भाई ज्ञान दृष्ट बल मोया दिखाई, मेरे पास ज्ञान हो तो चल दे। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी ने जब यह सुना, जब उसने कहा कि राम जी इसमें विजयी होंगे, तो हनुमान जी तो बड़े खुश हो गए।